Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Last time humne example dekhi maximum element ko find karne ki aur fir ek example humne matrix ki multiplications ke hawale se bhi dekha. Main yahan pe thodi si ek example add karunga, thodi si tricky hai. Iske andar thoda sa ek technical task hoga. Main chahta hu ki aap logon ko har tarah ki nature ki problem ke sath understanding develop karwaun. इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक छोटा सा एक टास्क दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, जिसमें आप लोगों को एक अननोन एल्गोरिथम दूंगा जिसमें आपने अपनी टाइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी. प्रॉब्लम का नेम है यूनिक एलिमेंट. अब यूनिक एलिमेंट से मुराद क्या है कि आपके पास एक लिस्ट होगी और आपने देखना है कि उस लिस्ट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो डुप्लीकेटेड हो. अब अगर वो पहले स्टेप पे ही दूसरा स्टेप अगर पहले नंबर पे एलिमेंट दूसरे नंबर वाले एलिमेंट के साथ अगर मैच कर जाएगा तो इट्स मीन दैट कि डुप्लीकेटेड है, तो वहीं से वो एग्जिट कर देगा. सो कंसीडर द एलिमेंट यूनिकनेस प्रॉब्लम. चेक वेदर ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट. सो दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग द स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम आपके सामने अवेलेबल है. इनपुट साइज की बात करें तो इसका जो इनपुट साइज है वो डेफिनेटली n एलिमेंट्स होंगे, तो वो n इनपुट साइज है. अब बेसिक ऑपरेशन जो कि सेकंड स्टेप है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है. अगर आप इस एल्गोरिथम को गौर से देखें तो यूनिकनेस चेक करने के लिए हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन इज ओवर बेसिक ऑपरेशन. थर्ड स्टेप में आप एवरेज केस को यूज करेंगे. अब फोर्थ स्टेप की बात करते हैं समीशन जनरेट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट जनरेट एंड जनरेट द इक्वेशन. सो अगर आप नोट करें तो आपका एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट होता है और आते ही एक लूप है. मैं इस लूप को समीशन के साथ डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका अपर और लोअर बाउंड्रीज दोनों सेट करता हूँ. ये लूप आई के लिए है और आई इक्वल टू जीरो है. टर्मिनेशन पॉइंट इसका एन माइनस टू होगा और इसकी बॉडी के इन साइड एक और लूप है, तो उस लूप के लिए भी मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सेट करना है. So starting point is or ending point. अच्छा, starting point अगर इसकी बात करें तो j equal to i plus 1 है. So j equal to i plus 1 to ये हमारे पास जाएगा n minus 1 तक. और इसके अंदर अगर आप देखें तो एक इस लूप की एक iteration में एक comparison होगा, तो ये constant है 1 के लिए. Okay dear students, बड़ी interesting सी example है. थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी ये होगा कि आप अभी तक यूज टू जिन एग्जाम्पल्स के हैं उनके अंदर आपके यहाँ पे एक वेरिएबल, देखिए वेरिएबल दो तरह के होते हैं. एक वेरिएबल वो होगा जो आपकी इनपुट साइज के साथ रिलेटेड होगा जो कि n है, और अगर यहाँ पे n हो तो हम इसको किसी और तरीके से हैंडल करेंगे. लेकिन चूंकि यहाँ पे एक वेरिएबल i है जो कि आपके एल्गोरिदम का स्पॉटिंग वेरिएबल है, जो कि हमने यहाँ पे खुद ऐड नहीं किया, आपकी एल्गोरिदम की नेचर प्रॉपर्टी के मुताबिक है, सो हमें इस i को कंटिन्यू नहीं करना, आगे लेके नहीं चलना. तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि हम इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे. सो सबसे पहले तो ये एज इट इज वही प्रोसीजर है जो हम यूज करते रहे हैं कि अभी एज इट इज जैसे चलेगा. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इतने कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको एक ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं अपर माइनस लोअर प्लस वन स्ट्रेटजी. सो ये चीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, अपर मींस आपके पास जो है वो n माइनस वन है. माइनस लोअर की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और यूज होगी जो कि i प्लस वन है और एंड पे प्लस वन है. सो इक्वल, अब यहाँ पे हम इसको एज इट इज टाइप करते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए i प्लस वन है, तो ये बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस वन. सो माइनस आई माइनस वन इसमें शिफ्ट हुआ, तो प्लस वन माइनस वन ये तो क्रॉस हो जाएंगे, तो बाकी का जो एलिमेंट आपके पास बचेगा वो कुछ यू होगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वो होगा एन माइनस वन माइनस आई. अब एन माइनस वन को तो हम हैंडल कर सकते हैं, एन माइनस वन को तो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी इस आई के लिए. तो बाई यूजिंग समीशन प्रॉपर्टी अगर दो तीन एलिमेंट हो तो हम उनको माइनस के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे वही काम करूंगा, सेपरेट करते हैं पहले इनको. सो ये पहले होगा n माइनस वन के लिए, और माइनस इसको पहले डिफाइन करते हैं n माइनस वन के लिए, और माइनस के बाद सेम प्रॉपर्टी आएगी
ये यूज होगा आई के लिए। सो यहां पे आ जाएगा आपके पास आई। अब इस सिचुएशन में अब अगर आप नोट करें तो ये जो इक्वेशन का समीशन था एन माइनस वन के लिए अलग से सेपरेट हुआ और आई के लिए अलग से सेपरेट हो चुका है। इसको तो हम हैंडल कर सकते हैं बड़े क्विकली। हम ये कह सकते हैं कि जी एन माइनस वन को हमने एज ए कोफिशिएंट के तौर पे कॉमन साइड पे ले लेते हैं। सो ये एन माइनस वन साइड पे आ गया। नेक्स्ट जो हमारा समीशन साइन है, अब समीशन की अपर और लोअर बाउंड्रीज दोनों अवेलेबल हैं, अपर एंड लोअर। सो ये आई इक्वल टू जीरो और ये होगा एन माइनस टू तक और इसके जो एलिमेंट है वो है वन, क्योंकि हम एन माइनस वन कॉमन ले चुके हैं, कॉफिशियंट के तौर पे सेपरेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वन रिमेनिंग होगा माइनस और ये चीज एज इट इज यहाँ पे यूज होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले इस वाले एलिमेंट को सॉल्व करते हैं जो कि बड़ा इजी है हमारे लिए। तो हम पहले इस एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं जो है एन माइनस वन, और अगर मैं इसको भी एवेल्युएट करूं तो ये अपर माइनस लोअर की बाउंड्री में आएगा। अपर माइनस लोअर जीरो है प्लस वन, सो माइनस और ये एलिमेंट हमारा एज इट इज यहाँ पे कैरी होगा। ओके इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे हमारी हैंडल होगी। सो ये हमारे पास चूंकि माइनस टू प्लस वन है तो ये माइनस वन के फॉर्म में आ जाएगा। सो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन। अब हम इसके एलिमेंट के ऊपर आते हैं। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं सिंबल आपको पता है कि इसके इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो तो यहाँ पे एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास ये समीशन कुछ इस कैटेगरी में हो, एक फार्मूले की प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर यहाँ पे आपके पास आई इक्वल टू जीरो हो और इस एलिमेंट में एन हो और यहाँ पे आपके पास आई वेरिएबल हो, या अगर आप इस पूरे एलिमेंट के साथ इधर अगर वन एलिमेंट की बात करें तो ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट होता है इस फॉर्मूले के, जो कि है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के। सो ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि हम कांस्टेंट के लिए तो अपर माइनस लोअर प्लस वन यूज करते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट की जगह कोई आई वेरिएबल आ जाता है तो आई वेरिएबल को फिर हम इस तरह से अवेल्युएट करते हैं। कीप इन माइंड अपर में दोनों के एन है, लोअर में एक के जीरो है एक के वन है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आयत है दोनों का, तो ये इस फॉर्म में आएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको अवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ से इतने एलिमेंट को एज इट इज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं हैंडल करता हूँ, और अगर आप नोट करें तो अपर एन है हमारे पास, यहाँ पे एन माइनस टू आएगा। सो मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ